नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और स्वागत है आप सभी का इंडियन बजाय पैरी में। दोस्तों जो आज की डेट है वो है 18 जुलाई, और आज की जो वीडियो है वो इस बॉक्स के बारे में। इस बॉक्स पे हम लोग ना एक सुपर और लगाने जा रहे हैं। कल मैंने इसको चेक किया था तो इसके एक सुपर की और डिमांड है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ विदेशों में नहीं, हम लोग भी यहाँ पे साइंटिफिक बी कीपिंग कर सकते हैं और 4-5-6-7 सुपर भी लगा सकते हैं, और अच्छा एक बॉक्स से 50-60 या 1 क्विंटल तक हानि ले सकते हैं हम पर ईयर। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा कुछ विदेशों में होता है, इंडिया में भी हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो मैं सुपर वाली बी कीपिंग करता हूँ, जिसको साइंटिफिक बी कीपिंग कहते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी मैसेज पहुँच जाए। तो पहले मैं आप लोगों को इस बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। ये बॉक्स ना मेरा स्वारम था, लेकिन ये हुआ था जनवरी के लास्ट में, और ये स्वारम काफ़ी बड़ा था। ये मान के चलिए 11-12 फ्रेम के आसपास स्वारम था, और इसमें मैंने ना सभी ताज़ी जो सीटें लगाई हुई हैं, कोई पुरानी सीटें मैंने यूज़ नहीं की इस बॉक्स वाली, जो 5-4 जो फाउंडन सीटों को या फिर छत्ते को छोड़ के, बाकी मैंने सारे नए लगाए। इसने सारा कुछ अरेंज करके ना और सभी को लगभग ना हानि से भर दिया। तो मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि इसके ऊपर मैं सुपर कैसे लगा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है शुरू करते हैं। सुपर हम जो इस पर यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर का जो हमारा जिसको हम लोग कहते हैं, अब यहाँ पे ना पानी काफ़ी ज़्यादा है, तो कल आज सुबह यहाँ पे बारिश हुई थी तो मुझे पीछे रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना बॉक्स रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ज़रूर। तो ये हमने जो निकाल लिया अपना, और उसके बाद हम जो लोग हैं ना इनर कोर को उठा रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ इस बॉक्स की, काफ़ी अच्छी मक्खियाँ इसमें, और इन्होंने अच्छा काम किया। कल मैंने ऊपर से ही चेक किया था, नीचे मैंने भी नहीं चेक किया इसके अंदर क्या चल रहा है, तो सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स मैंने चेक किया था, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और तो ये स्ट्रेंथ है इस बॉक्स की, आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा मक्खियाँ हैं, तो काफ़ी अच्छा। और उन्होंने छत्ते लगा लिए हैं, देख लीजिए आप लोग ना, इन्होंने ऊपर अभी यहाँ पे एक शायद एक फ्रेम की कमी थी, या फिर ये मान के चलिए ज़्यादा गैप था, या तो मुझे यहाँ पे ना एक सीट लगानी थी, फ्रेम लगानी थी, या फिर ये गैप कवर करना था। तो हम लोग देख पा रहे हैं ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, तो ऊपर भी इसने छत्ते लगा दिए हैं। हम इसको ना अभी बॉक्स को हम झाड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई है, सॉरी इनर कवर को, तो मैं इसको पीछे रख रहा हूँ, ये अपने आप उड़ के ना इस पर आ जाएंगी। तो ये इनर कवर को मैंने पीछे रख दिया है, और यहाँ पे हम ना फिर थोड़ा सा स्मोक यूज़ करेंगे, ज़्यादा वो नहीं, और इस बॉक्स को मैं उतार के बेसक पे चलेंगे। तो आप लोगों ने देखा मेरा ऊपर वाला सुपर, तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे अच्छा नेक्टर फ्लो चला हुआ, तो हम लोग ना स्मोक यूज़ कर रहे हैं और इस सुपर को उतार रहे हैं, तो नीचे वाले का हाल जान रहे हैं। चाहो तो आप लोगों के लिए मैं ना कुछ छत्ते इसमें से निकाल के दिखा सकता हूँ। तो ये पहले ही इसने ना कवर कर दिए थे, ये बॉक्स मैंने शायद नया लगाया था, इसमें ये दोनों इन्होंने पहले ही फिल कर दिए थे अच्छे से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा एक जो छत्ता निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए, और ये देखिए आप लोग देख पा रहे होगे, ये पहले ये शीशम के टाइम पे इसने सारा कुछ कवर कर दिया था। ये मैंने अभी निकाला नहीं है, कुछ दिन में मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ से माइग्रेशन करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे जो नेक्टर फ्लो चला हुआ ना वो चला हुआ कॉटन का, और यहाँ पे फिर सफरे हो जाएंगे, तो उससे पहले जो पका हुआ शायद वो मैं निकाल लूँगा। मोस्टली फ्रेम इसमें ऐसी ही हैं, एक दो फ्रेम और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये हम हमें ना टूल के साथ ऐसे उठाते हैं, ये जे टाइप टूल होता है, ये हमारी हेल्प करता है। ऐसा ही टूल हमें चाहिए अगर हमें सुपर वाली बी कीपिंग करनी है, तो काफ़ी अच्छे जो है हैवी ड्यूटी बिल्कुल। और ये देख पा रहे हो आप, ये जो पका हुआ नहीं जिसे कहते हैं हम लोग, ये बिल्कुल पका हुआ शायद, यही शायद निकालता हूँ मैं कच्चा शायद नहीं निकालता, और ये मैंने रख दिया वापस। तो हम लोग ना इस सुपर को उतार रहे हैं, और फिर दूसरा सुपर जो हम देखेंगे कि इसके नीचे वाले सुपर में क्या है। तो वैसे ना वैसे हम लोग कहते हैं कि एक सुपर के ऊपर दूसरा सुपर जो है गिर जाएगा, हम लोग ना इसको उठा नहीं पाएंगे अगर हमारे पास ज़बरदस्त हाइव टूल नहीं है। तो इस प्रकार हमने टूल के साथ इसको उठाना है, और ये उठा दिया है, और मैं इसको ना पीछे रख रहा हूँ अपने बॉक्स पे जहाँ पे मैंने ढक्कन रखा हुआ है, और ये रख दिया मैंने इसको पीछे। और जो मेरा इनर कवर था उस पर जो मक्खियाँ हैं, अभी मैं इसको कहीं पर कहाँ रखूँ, इससे मक्खियाँ जो उड़ने स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं यहीं पर रख देता हूँ, ये यहीं से ना बॉक्स के अंदर ही चली आएंगी, और हम लोग यहाँ पे बार बार धुआं का यूज़ करेंगे ताकि मक्खियाँ आपको काटे ना। और दोस्तों मैं आपको दूसरा बॉक्स अपना दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लेके आना पड़ेगा। ये मेरा सेकंड सुपर है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें से फ्रेम निकाल के, सारे फ्रेम में निकालने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब। तो ये देखिए ना इसमें मोस्टली फ्रेम में जो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो निकाल के, वो लगभग ना शायद से भर चुके हैं, और ये पहले से भर चुकी थी, ये शीशम वाले टाइम से भरी हुई हैं। और ये मैं कॉम मनी के लिए यूज़ करता हूँ, तो कॉम मनी ना अभी जो मुझे जो कोई कस्टमर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं इसको बेच नहीं पाया, मैं इसको घर पे नहीं रख रहा था, ताकि इसको मोमी कीड़ा या फिर वैक्स मोथ जो भी बोलते हैं वो ख़राब ना कर दे, इसलिए मैंने इसको अपने बॉक्स में ही रखा है। काफ़ी अच्छा हनी है, ऐसा हनी आपको ना मुझे नहीं लगता कहीं आसपास या फिर मिलेगा, ऐसी कोई बी कीपिंग नहीं कर रहा इंडिया में कोई नहीं, मतलब ज़्यादातर नहीं कर रहे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ,
इस प्रकार का हनी हमने तैयार किया है। ये कॉमन ही है, ये देखिए, और पका हुआ हनी ये शायद हम लोग निकालते हैं और जो है इसको सेल करते हैं। आपको लेना हो तो आप लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा नीचे कमेंट में या फिर वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। अगर आप कॉमन हनी खरीदना चाहते तो आप लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, कल परसों मैं इसको निकालने वाला हूँ। और ये मोस्टली ना सभी फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे, सभी फ्रेम में ऐसे ही भरी हुई हैं। मैं सबसे लास्ट वाली निकाल के दिखाता हूँ, ये अभी तक जो इसमें थोड़ी सी रह गई होगी, अदरवाइज ये फुली है सुपर। और ये भी इन्होंने ये अब का जो हम वाइट वाला देख रहे हैं ना, ये अभी है जो हमारा चला हुआ मल्टी फ्लोर हम बोल सकते हैं। इसमें कॉटन का मेजर है और इस साइड से थोड़ी सी बाकी है, तो ये अभी चला हुआ है, ये हम दोबारा यहाँ पे जो रख रहे हैं। और उसके बाद हम जो इस बॉक्स को भी उतार के पीछे रख रहे हैं, जो हम सुपर लगाएंगे ना वो अभी हम इनके नीचे लगाएंगे, क्योंकि अगर इसमें ब्रूड आया होता तो हम उसको ऊपर लगा देते, लेकिन अभी हम जो सुपर लगाएंगे वो ऊपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर का सारा काम मक्खियों का वो लगभग ख़त्म हो जाए। तो इस प्रकार थोड़ा सा स्मोक हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे गार्ड बीज हैं वो हमें तंग कर सकती हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मोक यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो इस सुपर को भी उठा के पीछे रख रहे हैं। और दूसरा आप देख रहे हो कि हमारी मक्खियाँ ना जो कितनी काम है, कितनी मतलब ये मान के चलिए कितनी जेंटल है। और कुछ लोग कहते हैं कि सुपर ना एक दूसरे से ऊपर से फिसल जाते हैं, मैं कहता हूँ अगर आपके पास अच्छा टूल नहीं है तो आप इसको ना उठा भी नहीं पाओगे, ऐसे हम इस टूल को उठाने में वो करते हैं। तो अभी मैं इसको उठाने वाला हूँ, और ये काफ़ी हैवी, मैं आप लोगों को बता दूँ इसको मुझे उठाने में ना काफ़ी जो है दम लगाना पड़ रहा है। इसके अंदर वेट 30 kg के आसपास है टोटल मक्खियों का बॉक्स का लगा के। और ये जो सुपर है मैंने सबसे लास्ट में लगाया था, इसकी मुझे चेकिंग करनी है, इसको लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैं बता दूँ आपको। एक दो फ्रेम होगी जो इसमें पुरानी होगी, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाऊँगा। और शायद इसमें ना ब्रूड आ गया हो, क्योंकि ये क्वीन है ना बड़ी ज़बरदस्त क्वीन है, नीचे एक वाले बॉक्स से इससे काम नहीं चलेगा, तो इसमें जो है शायद अंडे भी आया, क्वीन भी आ गई हो। तो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को साइड वाली फ्रेम निकाल के, ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने तैयार कर दिया। इसमें सिर्फ हनी ही है, और मैं इसको ना बाहर रख रहा हूँ, इसके साथ मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे केयरफुली आपको ना थोड़ा स्मोक यूज़ करते रहना साथ साथ में। तो वैसे मैं अगर खुद अपनी चेकिंग लगाता ना तो मैं देखने वाला नहीं था, मैं अगला सुपर यहीं पर रख देता, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये नेक्स्ट फ्रेम हम लोग देख रहे हैं, तो इस पे यहाँ पे थोड़ा सा पैच है जो ब्रूड का आ गया है, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को यहाँ पे। अदरवाइज़ ये भी जो है नेक्टर से हनी से भरा हुआ है, इस साइड बिल्कुल फुल है, बड़ा अच्छा लग रहा हो आप लोगों को। तो मैं फुल बॉक्स को आप लोगों की चेकिंग करके नहीं दिखाऊँगा, यही दिखाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं सुजेशन या सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूँ कि हम लोग ना इस प्रकार से बी कीपिंग कर सकते हैं, जो मॉडर्न बी कीपिंग है, और कुछ टिप्स भी है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि जो मुझे है कि मुझे पता है ऐसी बी कीपिंग होती है। और आप भी बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत से पुराने बी कीपर हमारे देश में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं है, जिस जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं आपको सुझाव देता हूँ कि ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मॉडर्न बी कीपिंग में अच्छा शहद निकाल सकते हैं, ज़्यादा शहद भी निकाल सकते हैं। और मेरा किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कि आप ऐसा करो वैसा मत करो, आपको अगर लग रहा कि आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आप वो करते रहें। और यह है मैं जो भी मैं सलाह दे रहा हूँ वो आप लोग ले सकते हैं, या फिर आप कुछ और जो मॉडर्न बी कीपिंग के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हो नीचे कमेंट में लिख के हम लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर आप कुछ लोग और भी हो जो अच्छी बी कीपिंग कर रहे हो या मुझे कुछ सलाह देना चाहते हो, तो वो भी कमेंट में आप लोग है जो लिख के मुझे अपनी अच्छी सलाह जो है सेंड कर सकते हो। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको वीडियो लगे तो आप ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अपने जो फ्रेंड हैं बी कीपर फ्रेंड उनको साथ शेयर करें, या फिर कोई बी कीपिंग करना चाहता है तो कोई भी हो उसके साथ जो अपनी वीडियो ज़रूर ये शेयर कर दें, ताकि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अगर मेरी वीडियो जो है किसी के साथ शेयर करोगे तो मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, और कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाने की मैं कैसे सारा कुछ करता हूं अपनी बी कीपिंग में, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो डिवीज़न हो, या फिर कैसे ज़्यादा शहद लेने से संबंधित हो। तो देख सकते हो इसमें ब्रूड आ गया, वो भी बड़ा अच्छा ब्रूड है। एक फ्रेम और मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ, तो ये देख सकते हैं ना, इससे हमें क्वीन की क्वालिटी का पता चलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि नेक्टर फ्लो हम लोग देख सकते हैं, अगर हमने ना अभी इसको एक बॉक्स नहीं दिया होता तो प्रॉब्लम ये होती, ऊपर वाले सारे कुछ फिल हो चुके हैं तो नीचे वाले में जो ब्रूड है अभी जो बाहर से नेक्टर आता ना वो यहाँ पे जो ब्रूड नेस्ट में या फिर ब्रूड वाले बॉक्स में ही मक्खियाँ स्टोर कर देती, जिससे क्वीन के पास ना जगह नहीं बचती अंडे देने के लिए, या तो वो स्वार्म के लिए जाती या फिर हमारे लिए वो कम जो है मक्खियाँ पैदा कर पाती, या फिर हम लोग शायद कम बना पाते। इसलिए मैं लेट हूँ, मुझे ना एक वीक पहले स्पेस ऊपर लगा देना चाहिए था, उसको अभी तक वो तैयार कर देती, लेकिन हम लोग लेट हैं।
तो अभी तक लगा नहीं पाए, तो अभी लगा देते हैं। अगर एक वीक तक हम यहाँ पे रहे तो मैं आप लोगों को ना इसकी अपडेट दिखाऊंगा। एक वीक के अंदर लगभग ये इसको तैयार कर देंगी, छत्तों को तैयार करके बना के, और उसमें कुछ जो है शहद या नेक्टर भी भर देंगी। और फिर हम थोड़ा सा स्मोक यूज़ करते हैं। स्मोकर हमारा लो हो गया क्योंकि हम कम यूज़ कर रहे हैं। स्मोकर को अगर बार बार यूज़ करते हैं तो तभी अच्छा चलता है। मक्खियाँ देख लीजिए, देखिए सुपर लगाने से ना मक्खियों में स्ट्रेस नहीं होती है। एक तो सीजन के हिसाब से भी मक्खियाँ काटती हैं, और दूसरा होती है मक्खियों में स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी, ये तंग नहीं है, ये खुश हैं, सारा कुछ इनके पास है, तो इसलिए ये हमें काट भी कम रही हैं। अदरवाइज़ ऐसा काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मक्खियों में। तो देखिए मैंने ना नीचे से भी शॉर्ट पहन रखा है और टोपी भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे हम ना अच्छी मतलब बी कीपिंग करें तो मक्खियों को स्ट्रेस कम होती है, और वो आप लोगों को अगर खुद कम स्ट्रेस में तो आप लोगों को भी जो कम काटेंगे अगर वो खुश हैं। तो हम ये तोड़ दें क्योंकि इससे ना हमारी मक्खियाँ वो क्रश हो जाएंगी ज़्यादा। हम ये यहाँ से भी इसको तोड़ रहे हैं। अभी स्मोक इससे कम निकल रहा तो मक्खियाँ हट नहीं रही हैं, तो मैं हाथ से हटा देता हूँ। और मक्खियाँ ना कभी भी टच को माइंड नहीं करती, अगर आप उनको टच करोगे ना वो कभी ध्यान नहीं देती क्या है, वो ना वेव को ध्यान देती या फिर शेकिंग को या फिर वाइब्रेशन को, जैसे ऐसे ही लाओगे ना तब काट लेंगे। लेकिन ये बड़ा जेंटल बॉक्स है, देखिए कुछ भी नहीं बोल रहा, तो ऐसे को वो माइंड करती हैं। अदरवाइज आप टच करते रहिए उनको, वो कभी माइंड नहीं करती। तो हम लोग ना इसको हटा रहे हैं, जैसे ये वैक्स हट जाएगा हम लोग इस पर नया सुपर रखेंगे। तो मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि इस पर ना बहुत ज़्यादा बीज बैठी हुई हैं और वो क्रश हो जाएंगे अगर हमने ऐसे ही वो किया तो। और मैं क्वीन एक्सक्लूडर यूज़ नहीं करता, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो जाली होती है क्वीन के ऊपर जाने के लिए। अभी मैं दूसरा बॉक्स लगाऊंगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर उस पर क्वीन आ गई ना तो कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर उस पर क्वीन आ गई तो आपने देखा कि साइड वाली दो फ्रेम में जो शहद से भरी हुई है, ये साइड वाली भी दो जो शहद से भरी होंगी, तो क्या होगा क्वीन उसमें भी आएगी और ऊपर वाली तीन चार फ्रेम में जो अपने अंडे दे पाएगी। तो मैं क्या करूँगा, जब दोबारा चेकिंग लगाऊंगा और मैंने देखा कि ऊपर ना उसने अंडे दे दिए, तो मैं क्या करूँगा, जो अंडे वाली या लार्वे वाली या ब्रूड वाली फ्रेम है वो नीचे लगा दूँगा, और ये साइड वाली जो हनी वाली फ्रेम है ये ऊपर वाले बॉक्स में ले लूँगा। इसलिए हमें ना क्वीन एक्सक्लूडर की ज़रूरत नहीं होती, छोटे बी कीपर को ही होता, जो मतलब कॉमर्शियल बी कीपर के लिए, जिसके पास ना टाइम नहीं हो कि ये सारा कुछ करने का, कि नीचे वाली फ्रेम ऊपर लगाएं ऊपर वाली नीचे लगाएं। स्मोकर मैंने साइड में रख दिया, टोपी की शायद हमें ज़रूरत नहीं है, और मैं ये लगा रहा हूँ अपना सुपर इसके ऊपर। और ये हमने ना जो वो ब्लू वाला जो नया सुपर इसके ऊपर ऐड कर दिया। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना कि हम मैं इसके अंदर 10 फ्रेम में लगा रहा हूँ अभी, तो मैं इसके अंदर 10 फ्रेम में लगा रहा हूँ अभी। अगर इसके अंदर क्वीन आ गई और उसने अपने अंडे देने स्टार्ट कर दिए तो मैं 10 रखूँगा, अगर इसके अंदर उन्होंने शहद भरना स्टार्ट कर दिया तो मैं एक फ्रेम निकाल के ना इनका थोड़ा सा गैप बढ़ा दूँगा, 9 फ्रेम ही रखूँगा, क्योंकि शहद के लिए 9 रखना अच्छा होता है। उससे क्या होगा, ये जो फ्रेम होंगे ना इसको जब सील करेंगे तो इसे थोड़ा बाहर सील्ड कर देंगे या फिर इसको थोड़ा सा फुला देंगे, जिसको अनकैप करने में या फिर डीकैप करने में हमें जो सीलिंग काटने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रख दिया, और इसके लिए हमें ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं कि नीचे वाली फ्रेम इसके बीच में लगाएं ऊपर वाली लगाएं, वो छोटे बॉक्स में होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉक्स है, क्योंकि इसके ऊपर तो हम फ्रेम में रखने वाले, तो इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं वो सुपर रख रहा हूँ इस पर जो हनी सुपर है। तो मैं आप लोगों को ना एक टिप्स और देना चाहता हूँ, जब ये हम सुपर लगा के उसके ऊपर रखें ना तो सबसे पहले इसको यहाँ से क्रैक करेंगे जो साइड में हमने रखा है, तो नीचे देखेंगे इसके मक्खियाँ तो नहीं है, इसके काफ़ी मक्खियाँ। तो हमें करना क्या है, यहाँ से थोड़ा स्मोक कर लीजिए और थोड़ा स्मोक कीजिए इनको, अभी चल पड़ाइए तो नीचे वाली जो मक्खियाँ वो ऊपर पहुँच जाएंगी सारी, ताकि बीच में नहीं आएंगी, वो क्रश नहीं होंगी। तो हम लोग यहाँ पे स्मोकर यूज़ करेंगे, और मैं अभी उठा के लेके आ रहा हूँ इसको, उस पर रखेंगे। इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा है, हमने ऐसा इसको रख दिया है, नीचे हमने स्मोक लगाया तो क्या हुआ, जो सारी मक्खियाँ थी ना हमारी वो ऊपर चली गई, तो उससे क्रश कम होती हैं। और ये बॉक्स अभी ना स्टैंड भी इसका अच्छा नहीं है, वेट ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे भी स्मोकर यूज़ करते हैं अपना, ताकि जो ऊपर वाले वैक्स को हम हटा सकें और कम से कम बीज क्रश हो। ये हटा रहे हैं हम लोग, ये लगभग हमारा जो है तैयार हो चुका है, वो भी लगभग तैयार हो चुका है। इन दोनों जो सुपर को हम ना एक दो दिन में उतारने वाले हैं, और जब भी उतारेंगे उसके वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इनको थोड़ा सा टच कीजिए, नीचे चली जाएंगी, ये ज़्यादा माइंड नहीं करती टच को, कम काटती हैं। अगर एक दो मक्खी आपको काट ले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो बी कीपर जानते हैं। अगर नए बी कीपर हो आप, अभी आपने स्टार्ट किया है, तो कभी भी ऐसा मत कीजिए, आप सारा कुछ पहन लीजिए, ग्लव्स भी पहन लीजिए, तो जो टोपी हो है या फिर वेल जो भी बोलते हैं वो पहन के काम कीजिए। ये जो पुराने बी कीपर है ना एक्सपीरियंस उनके लिए होता है, अगर मुझे अभी काटना स्टार्ट कर देती तो मैं पहन लेता, पर नहीं काट रही है
तो पहनने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी काफ़ी है, तो हम ना जो बिल्कुल ठंडे रह के काम करेंगे। ये हमने जो मोस्टली उतार दिया है और फिर थोड़ा सा स्मोक हम लगा रहे हैं, स्मोकर दोबारा स्टार्ट हो गया ताकि इसके ऊपर से ना बीज जो है चले जाएं। और वही सेम काम यहाँ पे है, यहाँ पे भी ना हमें नीचे इसके जो हमें एक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, और ये हमने दिखाया यहाँ पे जो ज़्यादा बीज आ गई है नीचे, ये देख लीजिए आप लोग। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मोकर लगाएंगे और जो हमारी मक्खियाँ वो ऊपर चली जाएंगी ताकि वो दोनों बॉक्स के बीच आके ज़्यादा मरे नहीं। ये जो सभी ना ऊपर पहुंच गई हैं, उठा रहे हम बॉक्स को, काफ़ी हैवी हो जाते हैं और अभी बारिश का टाइम है, नीचे पानी चला आया है, यहाँ पे रख दिया हमने। तो ये काफ़ी ना स्ट्रॉन्ग है और फेवरेट कॉलोनी भी है मेरी, जो मेरी फेवरेट उनमें से एक है। तो हमने ये रख दिया, इसके ऊपर सारा कुछ हमने ख़त्म कर दिया है, अभी सिर्फ इनर कवर लगाना है इस पर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड के साथ, बीकीपर फ्रेंड के साथ, या अपने फ्रेंड के साथ, या कोई शहद में इंटरेस्टेड है या फिर बीकीपिंग में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। हमने ये लगा दिया यहाँ पे और ये अपना इनर कवर जो रख दिया है, और ये हमने अपना टॉप कवर भी रख दिया है। और तो इस प्रकार दोस्तों हमने अपना जो सारा कुछ काम है जो डन कर दिया, और इसमें पाँचवा सुपर हमने लगा दिया है और वो ये वाला सुपर है। तो नेक्स्ट देखेंगे 5-7 दिन में क्या अपडेट है। आज सुबह ही बारिश हुई थी, जो आज जो नेक्टर ना वो वॉश आउट हो चुका है, यानी कि धुल चुका है, आज नेक्टर इतना नहीं आ रहा। कल अगर बारिश नहीं हुई तो कल धूप निकलने के बाद या फिर जैसे 7-8 के बजे के नज़दीक ना अच्छा नेक्टर स्टार्ट हो जाता, तो मक्खियाँ इसको ड्रा करना स्टार्ट कर देंगी। तो नेक्स्ट अपडेट भी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।